शरणागति के छह लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं, जिनके आधार पर हम अपनी शरणागति को रीड कर सकते हैं कि हमारी शरणागति अभी कहां पर है। क्या है वो छह लक्षण? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोपुत्रित्वे वर्णम् तथा। आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इसमें सबसे पहला लक्षण बताया गया आनुकूल्यस्य संकल्पः, यानी गुरु के अनुकूल ही चिंतन हो, सदा उसके अनुकूल ही सोचना और उसकी कृपाओं का चिंतन करके विभोर होना। और हम लोग क्या करते हैं, जब तक कोई बात हमें हमारे मुआफिक लगी तो अनुकूल चिंतन करते हैं, और जहां कहीं कोई बात हमारी बुद्धि में नहीं जची, विपरीत लगी, तो हम तुरंत गुरु की खिलाफत करने लगते हैं, उसके विपरीत सोचने लगते हैं, दुर्भावना करने लगते हैं, उल्टा चिंतन हो जाता है हमारा। ये शरणागति नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम सदा अनुकूल ही चिंतन करें, अपने सौभाग्य पर बलिहार जाएं, ये सोच सोच कर कि अरे मैं तो अधिकारी नहीं था, ये संत के दर्शन भी मुझे क्यों हुए। अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों में भी एक ब्रह्मांड को ले लीजिए, उस एक ब्रह्मांड में भी एक लोक मृत्यु लोक, उस एक लोक में एक देश भारतवर्ष, उस देश में भी एक प्रांत के, एक नगर के, एक ग्राम के, एक छोटे से पोखरे में, छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ हो, उसी में अनंत जीव रहते हैं, उस छोटे से पोखरे में भी, यानी अनंत जीव है और उसमें मनुष्य कितने हैं, मनुष्य देह कितनों को प्राप्त है, 7 अरब मनुष्य हैं, और जितने मनुष्य हैं भी उसमें से वास्तविक संत कितनों को प्राप्त है, 6-7 लाख मनुष्य भी ऐसे नहीं होंगे जो किसी वास्तविक संत की शरणागति में है। तो केवल कुछ लाख लोगों को वास्तविक संत प्राप्त हैं, तो ऐसे में वो सोचकर विभोर हो जाए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मुझे इनके दर्शन हुए क्यों, अरे मैंने तो ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, इस जन्म की तो मुझे याद ही है अपनी, केवल पाप ही पाप किए हैं, और पिछले अनंतानंत जन्म हो चुके उनमें भी पाप ही किया होगा, तो ऐसा कोई पुण्य कर्म मैंने नहीं किया जिसका फल ये हो कि किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए।
और उसके बाद किसी को एक बार केवल दर्शन हो जाए, अगर वो इस कृपा को रियलाइज कर ले, ठीक ठीक इसका महत्व समझ ले, तो आंसू बहा बहा कर पागल हो जाए, भगवत प्राप्ति कर ले, एक नहीं करोड़ों भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर इसी सौभाग्य पर वो विचार कर ले, इसका महत्व समझ ले, और इसके बाद अगर उस महापुरुष ने, गुरु ने बात भी कर ली एक बार, एक बार मेरी कह दिया, एक बार उनका चरण स्पर्श प्राप्त हो गया, तो उसे इतना सारा चिंतन का मैटर मिल गया, इतनी कृपा हो गई कि बस केवल उन कृपाओं को रियलाइज कर ले तो और कोई साधना करना शेष नहीं। कि मैं इतना अधम हूं, आखिर मुझ पर इतनी कृपा क्यों की। एक भक्त वो विभोर होकर भगवान की कृपाओं का चिंतन करके आंसू बहाता हुआ उनसे यही पूछता है, करुणा क्यों करी मुझ पर, करुणा क्यों करी मुझ पर, इतना बता दो हरि, इतना बता दो हरि, करुणा क्यों करी मुझ पर, करुणा क्यों करी। हे नाथ, मुझ में ऐसा क्या देखा, मेरा कोई पुण्य कर्म ऐसा नहीं था, मैं तो किसी भी प्रकार आपकी कृपा के योग्य नहीं था, आपने क्यों मुझे अपनाया, इतनी कृपाओं का भंडार क्यों मुझ पर उड़ेल दिया, मैं तो इतना अधम हूं, इतना पापात्मा हूं कि उन कृपाओं का चिंतन तक नहीं कर पाता ठीक ठीक कि मुझे क्या मिला है, इतना कृतघ्नि हूं। इस प्रकार कृपा का चिंतन करके बलिहार जाए, कभी विपरीत न सोचे एक क्षण को भी, ये है आनुकूल्यस्य संकल्पः। संकल्प ले लेना, प्रतिज्ञा कर लेना कि केवल गुरु के अनुकूल ही चिंतन करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचना, और इसी को पक्का करने के लिए दूसरा लक्षण बताया गया, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, प्रतिकूल चिंतन न होने पाए। तो देखिए, पहले कहा आनुकूल्यस्य संकल्पः, उसका यही अर्थ है कि हम अनुकूल चिंतन करें, प्रतिकूल न सोचे, लेकिन फिर से उसको रिपीट किया और पक्का करने के लिए कि भूल करके भी, स्वप्न में भी हम कभी प्रतिकूल चिंतन न करें, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, घोर से घोर विपरीत परिस्थिति में भी उनकी कृपा का अनुभव करना, उनके अनुकूल ही सोचना। जैसे राजा हरिश्चंद्र, इतनी परीक्षा उनकी गुरु ने ली एक के बाद एक, पहले उनका राज्य ले लिया, तो
ये नहीं सोचा हरिश्चंद्र ने कि अरे ये तो महात्मा है, ऋषि हैं, इनको राज्य से क्या प्रयोजन है, क्यों मेरा पूरा राज्य लेना चाहते हैं। फिर इसके बाद दशांश में अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया आगे चलकर, तब भी विपरीत चिंतन नहीं किया। इसके बाद भी गुरु ने परीक्षा ली, उनके बेटे को सांप बनकर डस लिया और पत्नी पुत्र की लाश लेकर शमशान घाट पहुंची। वहां पर भी हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी से अपने पुत्र को जलाने के लिए टैक्स मांगा और पत्नी प्रसन्नता पूर्वक देने को भी तैयार हो गई, लेकिन कोई विपरीत चिंतन हरिश्चंद्र ने नहीं किया और वहीं पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सब प्रकट हो गए। भगवान को पा लिया केवल इसी गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु आज्ञा पालन रूपी भक्ति के द्वारा। जो जो आज्ञा गुरु ने दी बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए सहर्ष उसका पालन करते। ये है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, घोर से घोर विपरीत परिस्थिति में भी कभी हम गुरु के खिलाफ न सोचें, उनके प्रति कोई दुर्भावना न करें। और तीसरा लक्षण है रक्षिष्यतीति विश्वासो, वो सदा मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, मेरे गुरु सदा मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं अपनी। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो फिर वो निराशा का चिंतन करेगा, पता नहीं ये कैसा मार्ग है, मैं किस प्रकार आगे चल सकूंगा, कहीं बीच में मेरा पतन न हो जाए। इस प्रकार की निराशा की बातें वो सोचता है तो इसका मतलब उसका अपने गुरु पर विश्वास नहीं। शरणागति का ये अर्थ है इतना दृढ़ विश्वास हो कि अरे मेरे गुरु मुझे उंगली पकड़कर आगे चलाएंगे, वो तो मुझे गोद में बिठा करके भगवत धाम तक ले जाएंगे, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, मेरे संरक्षक तो वो हैं जो अपने शरणागत का योगक्षेम वहन करते हैं। इस प्रकार ये दृढ़ विश्वास हो। और नंबर चार, वो सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं ये रियलाइजेशन हो, सदा उनकी कृपा का चिंतन करना कि वो तो निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हैं, अरे आज तक उनकी कृपा से ही तो बचा हुआ हूं, वरना कैसी कैसी विकट स्थिति जीवन में आई। आज भी जब रास्ते से आ रहा था, एक तरफ से गाड़ी आ रही थी सामने से, एक ओर से गाय आ रही थी, कुछ भी हो सकता था, आज भी एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन आज भी मैं सही सलामत हूं, आज भी भगवत चिंतन गुरु चिंतन कर सकता हूं। ये उनकी कृपा का ही परिणाम है कि वो हर पल मेरी रक्षा कर रहे। ये चौथा अंग है शरणागति का। और पांचवा लक्षण है प्रत्येक वस्तु को उनकी धरोहर समझना। मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है, ये तन मन धन सर्वस्व उन्हीं का है।
तो जब सब कुछ उन्हीं का है तो उनके अतिरिक्त मुझे किसी और का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ उन्हीं का है तो इससे उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की सेवा करनी है और अनुकूल ही सोचना है, उनके खिलाफ सोचने का भी अधिकार नहीं। तो जिसे हम अपना समझते हैं वो सब गुरु की धरोहर समझना और उनकी धरोहर समझकर उनको अर्पित करना। गुरु ने बताया मोही गोविंद राधे, उन्हीं का दिया है सब, उन्हीं को लुटा दे। राधा गोविंद की। अरे ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है तो उन्हीं को अर्पित करने में फिर संकोच कैसा। हम मां के गर्भ से कुछ लेकर के नहीं आए थे। जिस शरीर को अपना मानते हैं मैं, वो शरीर भी भगवान की कृपा से मिला है, वो भी हमारा नहीं है। इसमें जो चेतनता है आत्मा, वो भी भगवान का अंश है। और बहिरंग संसार का जो सामान बटोर के रखा है हमने, जिसे अपना मानते हैं, ये संसार भी उस भगवान का। तो हमारे पास अपना है ही क्या। तो हर वस्तु को उनकी धरोहर समझना। और नंबर 6, चूंकि हर वस्तु उनकी धरोहर है इसीलिए कुछ भी समर्पित करने के बाद ये अहंकार न करना कि मैंने कुछ दिया या मैंने कोई सेवा की। अरे देने के लिए हमारे पास है ही क्या। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सब कुछ तो उन्हीं का है, और अगर हम अपना मानते भी हैं अज्ञानतावश, तो हम विचार करके देखें कि वो संत, वो गुरु जिसने दिव्यानंद को प्राप्त कर लिया, उसको हमारे इस माइक सामान से क्या लेना देना। हमारे पास तो सारा सामान गंदा है, माया का बना हुआ है। ये शरीर ये इतना गंदा मल मूत्र का पिटारा कि केवल इसका ऊपर का चमड़ा अगर हटा दिया जाए तो हम स्वयं बेहोश हो जाए, इसकी दुर्गंध को सहन नहीं कर सकते। ये हमारे शरीर की हालत है जिसमें इतना ममत्व है। और मन वो और गंदा, अनंत जन्मों का पाप उसमें भरा हुआ है। बुद्धि और माशाअल्लाह, अनंत जन्मों की गंदी बुद्धि जो आज तक भगवान के महापुरुषों के शरणागत नहीं हो सकी, अपने हित की बात ही नहीं समझ सकी, उस बुद्धि का गुमान करते हैं। तो उनको देने के लिए हमारे पास है ही क्या। अरे गुरु के विषय में तो हमारे शास्त्र कहते हैं, एकमेवाक्षरम यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चानृणो भवेत् मनुस्मृति। एक अक्षर का भी ज्ञान अगर गुरु हमको करा दे, एक तत्व ज्ञान भी प्रदान कर दे, तो संपूर्ण पृथ्वी दान करके भी हम उसके ऋण से
कभी उर्ण नहीं हो सकते। सारा विश्व दान करो गोविंद राधे, तो भी गुरु ऋण देना उऋण करा दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं, संपूर्ण विश्व दान करके भी हम गुरु के उस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। तो जीव तो भिखारी है, वो गुरु को दे ही क्या सकता है। माया ने भुला हम तो मोह निद्रा में सोए हुए थे, माया की निद्रा में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन गुरु ने अपनी कृपा से जगाया, उसकी कृपाओं का कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे गुरु को ये भिक्षुक जीव, ये माइक जीव क्या दे सकता है, किस प्रकार उनके ऋण से उऋण हो सकता। तो सर्वस्व समर्पित करने के बाद भी अहंकार न हो। मैंने आपको बताया था ना कि वो कोई सेवा स्वीकार कर ले तो उसका आभार मानना है। गुरु जो भी सेवा कोई भी सेवा ले लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसमें हमको उनका आभार मानना चाहिए कि हमारी ऐसी तुच्छ वस्तु को उन्होंने हमारे कल्याण के लिए स्वीकार कर लिया। अहंकार ना आने पाए कि मैंने कुछ दिया, मैंने कोई बहुत बड़ी सेवा की। मैंने आपको बताया था कि कोई असमर्थ वो समर्थ की सेवा नहीं कर सकता। सेवा तो गुरु और भगवान ही करते हैं हमारी। तो ये 6 लक्षण हैं शरणागति के, जिनके आधार पर हम अपने आप को रीड कर सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति क्या है, हमारी शरणागति बढ़ भी रही है या नहीं, हमें कहाँ पहुंचना है और अभी हम कहाँ हैं। तो इस प्रकार वास्तविक गुरु की शरणागति करनी होगी 100%।